महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि आखिर शिंदे के बंगले की चाय में कौन सा सुनहरा पानी मिलाया जाता है जिससे उनके खाने का बिल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आ गया है। गौरतलब है सीएम एकनाथ शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले के 4 महीने के खाने का बिल 2 करोड़ 38 लाख रुपए आया है, जिसके बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने सीएम शिंदे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया है, मेरे कई करीबी सहयोगी मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनके शासनकाल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वर्षा बंगले का 4 महीने का खाने का बिल 2 करोड़ 38 लाख रुपए आया है। बारिश के बाद चाय में कौन सा सुनहरा पानी मिलाया गया या पन्ने पर सोने का काम किया गया था? मुख्यमंत्री शिंदे के बंगले के अलावा अजीत पवार ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फेल करार दिया। अजीत पवार ने कहा, एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही आम शिवसैनिकों में भारी गुस्सा है। सत्ता बदलने के बाद से प्रदेश में एक भी नया उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, इसके उलट यहाँ के उद्योग गुजरात जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक गालियाँ दे रहे हैं, कोई मार रहा है तो कोई फायरिंग कर रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। विज्ञापन के नाम पर सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री की हंसती हुई फोटो दिखाने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाए गए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने किसानों और मजदूरों को लेकर भी शिंदे सरकार को घेरा और कहा कि सरकार की शासन व्यवस्था को देखते हुए इस सरकार में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग खुश नहीं है। ऐसी सरकार आई है जो राज्य को कई सालों तक पीछे ले जाएगी। किसानों की थाली में संकट का कड़वा स्वाद है तो चाय में मिठास क्यों? ऐसे में हम इस सरकार की ओर से आयोजित चाय पार्टी में कैसे जा सकते हैं? गौरतलब है राज्य में 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो गया। उससे पहले विपक्ष ने पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया। जिस तरह विपक्षी दलों और सरकार के बीच तल्खी है वह विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिल सकती है। 25 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में खूब हंगामा भी देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।